शुरुआती रुझानों के आधार पर रैपिड के जरिए भी हम आपको लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर तमाम जगहों के जो आंकड़े हैं वो लगातार शो होंगे, हम धीरे धीरे आपको अपडेट करेंगे। तो महागठबंधन की बढ़त लगातार जारी है, अभी ये पोस्टल बैलेट के रुझान है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है कि ये पोस्टल बैलेट के रुझान है। लेकिन उस रुझानों की बात की जाए तो महागठबंधन 76 पर आगे चल रही है, एनडीए 44 पर। अच्छी बढ़त शुरुआती रुझानों में महागठबंधन को देखने को मिल रही है, जिसके कयास, जिसकी जिसे कह सकते हैं कि जिसका इशारा एग्जिट पोल भी कर रहे थे तमाम, वो भी हमने आपको दिखाया था किसी से छुपा नहीं, लेकिन जिसे कह सकते हैं बहुत कुछ अभी भविष्य के गर्भ में है और उससे निकलकर आना बाकी है, जिसका इंतजार आपको भी करना है, जिसका इंतजार हमें भी करना है। और उसके बाद बिहार की सियासत क्या कुछ करवट लेती है, यह भी देखना दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं, बिहार ब्रेकिंग, एनडीए 42 सीट, महागठबंधन 76 पर आगे, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त। तो अभी ये पोस्टल बैलेट के रुझान है, बिहार में आपने सब कुछ देखा, जबरदस्त तरीके की सियासत देखी, बड़े बड़े वादे देखे, घोषणा पत्र देखा, और अब रुझान देख लीजिए, महागठबंधन 76 पर आगे है। एक एक सीट का हम आपको उसके बारे में बताएंगे और जो प्रतिक्रियाएं आएंगी वो भी लगातार हम आपको दिखाएंगे, उसको भी आप देखिए। फिलहाल अभी पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है, उसके बाद ईवीएम से जो मतदाता का फैसला होगा वो भी सामने आना शुरू हो जाएगा, जिस पर सबकी निगाहें। फिलहाल महागठबंधन 76 पर आगे चल रहा है, महागठबंधन की बढ़त है, एनडीए 52 पर है, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भी लगातार आप देखिए कि ग्राफिक्स चल रहे हैं, वहां पे जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में हुए हैं, बीजेपी एक सीट पर आगे, समाजवादी पार्टी 0, बसपा 0, कांग्रेस 0। मध्य प्रदेश के भी आंकड़े आपको साइड में शो कर रहे हैं, वहां पे भी जैसे जैसे रुझान आना शुरू होंगे वैसे वैसे चीजें अपडेट होंगी, वो भी आप देखिए। लेकिन बिहार जिस पर सबकी निगाहें हैं, पूरे देश की निगाहें हैं, बिहार की सियासत को बिहार के दंगल में हम लगातार बताते भी रहे हैं, लिहाजा महागठबंधन इस वक्त बेहतरीन परफॉर्मेंस फिलहाल नजर आ रहा है। 76 सीटों पर शुरुआती रुझान में महागठबंधन आगे नजर आ रहा है। एनडीए की बात करें तो एनडीए 52 सीटों पर शुरुआती रुझान में फिलहाल आगे है, लेकिन जिसका इशारा, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि एग्जिट पोल कर रहे थे, साफ तौर पर वही तस्वीर बनती चली आ रही है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। और जिसे कह सकते हैं कि जैसे जैसे घंटे दर घंटे गुजरेंगे बिहार की जो तस्वीर है वो साफ होती जाएगी, लेकिन इस बीच हम आपको उत्तर प्रदेश और चलिए, तो ये बात तो हमने बिहार की करी, लेकिन इस बीच हम आपको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भी आंकड़े हम आपको दिखाते हैं। तो यूपी उपचुनाव में बड़ी खबर, घाटमपुर सीट से बीजेपी आगे है, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एमपी उपचुनाव में 28 सीटों पर वोटों की गिनती लगातार जारी है, एमपी उपचुनाव की बात करें तो बीजेपी एक सीट पर आगे चल रही है, यूपी उपचुनाव में 7 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है, इस वक्त आपको बता रहे हैं एमपी उपचुनाव में 28 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है, बीजेपी एक सीट पर आगे चल रही है, क्योंकि यह उपचुनाव उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश की बात की जाए तो एक मैसेज है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, एक संदेश यहां से जाएगा, लिहाजा उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर सबकी निगाहें हैं।
और एक संदेश बिहार से भी है। बीजेपी एक सीट पर आगे चल रही है और ग्राफिक्स के जरिए भी आप टीवी स्क्रीन पर देखेंगे, यूपी उपचुनाव में 7 सीटों पर वोटों की गिनती इस वक्त जारी है। घाटमपुर सीट से बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। एमपी उपचुनाव में 28 सीटों पर वोटों की गिनती इस वक्त चल रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं वो तस्वीर साफ रह गई। लेकिन घाटमपुर की बात की जाए तो बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और सबसे बड़ा जी हाँ बिहार का दंगल, और बिहार के जिस तरह से शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उसमें महागठबंधन मजबूत स्थिति में है। एनडीए शुरुआती रुझान में 52 सीटों पर नजर आ रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो बीजेपी को देखिए जो एक एक सीट पर बढ़त बनी हुई है, वो सीट जो है वो घाटमपुर की सीट है। तो लगातार हम बीच बीच में आपको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं वो भी दिखाते रहेंगे। लेकिन बिहार की बात कर लेते हैं। जैसा कि बिहार में लगातार हम आपको बता भी रहे हैं कि महागठबंधन 75 पर आगे चल रहा है। लेटेस्ट अपडेट, ताजा अपडेट इस वक्त आपको बता रहे, 75 पर महागठबंधन आगे, महागठबंधन की बड़ी बढ़त जो है वो लगातार जारी है। अभी ये पोस्टल बैलेट के रुझान हम आपको बता रहे हैं, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखने की जरूरत है कि ये पोस्टल बैलेट के रुझान है। और धीरे धीरे ईवीएम्स भी जब उनसे रुझान आना शुरू होंगे तो तस्वीर बदल सकती, इसमें कोई दो राय नहीं है। एग्जिट पोल ने महागठबंधन को बड़ा दिखाई थी जैसा कि आप बखूबी जानते हैं, लेकिन इस वक्त की जो ताजा अपडेट आपको के न्यूज बता रहा है वो महागठबंधन 75 पर आगे, एनडीए 53 सीट पर। बिहार में सरकार किसकी होगी इसके लिए आपको कुछ ही घंटों का इंतजार करने की जरूरत है। बिहार में किसकी बाहर होगी इसके लिए आपको कुछ ही घंटों का इंतजार करने की जरूरत है, या यूं कहे कि बिहार का ताज किसके सर होगा इसके लिए भी आपको इंतजार करने की जरूरत है। धड़कनें बढ़ रही हैं क्योंकि बिहार की सियासत ने जिस तरह से करवट बदली, और जो कुछ आपने देखा, तमाम रैलियां, तमाम बयान, तमाम मुद्दे, घोषणा पत्र, हमने बहुत कुछ बिहार की सियासत में देखा। उस बार कोरोना काल में था तो लिहाजा सबकी निगाहें बिहार के चुनाव पर थी। उपचुनाव भी कोरोना काल में है, उसके भी रुझान लगातार सामने आ रहे हैं, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार दिखा रहे हैं। फिलहाल ये अभी बिहार के जो रुझान हम आपको दिखा रहे हैं ये पोस्टल बैलेट के रुझान है, जिस पर इसमें कोई दो राय नहीं है। महागठबंधन 75 पर आगे है और एनडीए 54 सीट पर। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं बिहार चुनाव से जुड़ी हुई, बिहार ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव है वो भी काफी अहम माना जा रहा है। जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए, ये घाटमपुर की सीट है जिस पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, और जैसे जैसे रुझान आएंगे वो भी तस्वीर आपके सामने होगी। लेकिन जो एग्जिट पोल उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के थे आपको याद होगा, बीजेपी को बढ़त उसमें दिखाई गई। बहुत कुछ मैसेज उपचुनाव से जाएगा सूबे की सियासत को लेकर, कि सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल से लोग कितना खुश हैं उसको लेकर, खासकर इन 7 सीटों की बात की जाए, यहां की आवाम क्या सोचती, बहुत कुछ मैसेज इससे पूरे सूबे में जाने वाला है। और बिहार की जो राजनीति है उसका मैसेज पूरे देश में जाने वाला है, क्योंकि इस बिहार के चुनाव में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा देखा है, हमने सीएम योगी आदित्यनाथ का देखा है, हमने बड़े बड़े दिग्गजों का चेहरा देखा है, और बड़े बड़े दिग्गजों की इस बार साख पे दांव पे लगी है, ये भी आपको पता हो। जिस तरह से बात की जाए तो चिराग पासवान की साख दांव पर, युवा नेता लालू यादव के बाद उनके हाथ में जो है बागडोर है। वहीं बात नीतीश कुमार की करें तो उन्होंने रैली में आप सोचिए कि क्या कह दिया कि ये मेरा आखिरी चुनाव, भावनात्मक अपील कर। और इन सब के बावजूद जो तस्वीर है वो ये निकल कर आ रही है कि महागठबंधन 75 पर आगे चल रहा है। एक बहुत बड़ा मैसेज
बिहार की सरजमी से देश को जाने वाला है, जिसके लिए आपको इंतजार करने की जरूरत है। फिलहाल एनडीए 52 सीट, महागठबंधन 84 पे आ गया। उत्तर प्रदेश उपचुनाव की बात करें, बीजेपी एक सीट घाटमपुर पे आगे चल रही है, जो ताजा आंकड़े इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो खबर इस वक्त आपको ताजा रुझानों के साथ के न्यूज दिखा रहा है। महागठबंधन 89 पर बढ़त, बड़ी बढ़त महागठबंधन की लगातार जारी। अभी ये पोस्टल बैलेट के रुझान इस वक्त की बड़ी खबर, ताजा अपडेट के न्यूज आपको बता रहा है। एनडीए 59 सीट, महागठबंधन 53 पर आगे, एक बड़ी बढ़त महागठबंधन ने बना ली है। फिलहाल ये पोस्टल बैलेट का रुझान है। ईवीएम्स भी खुलेंगे धीरे धीरे, वहां से भी तस्वीर साफ होगी।